हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए एक GS ECL एग्ज़ाम में VS JEE की एग्ज़ाम के लिए जो पेपर हुआ राइट नाउ लास्ट संडे को, उसके बारे में। सो GS ECL JEE 2022 का एग्ज़ाम पेपर जो है उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट MCQ मिल जाएंगे अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थियरी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, इन सब के क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 21 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल सेक्शन के हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सॉल्यूशन जो है वही बताने वाला हूँ, जैसे मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन NI इन सिलिकॉन। NI सिलिकॉन में इसका इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं NI को, उसका फॉर्मूला क्या ऐसा पूछा है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, NI स्क्वायर इज इक्वल टू A0T³ e^-EG/KT, ऐसा फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे जो बात की है उस फॉर्मूला की बात तो बिल्कुल नहीं की है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे T³ या NI स्क्वायर का एक भी फॉर्म है ही नहीं। तो एक और चीज़ होता है, NI प्रोपोर्शनल टू T² होता है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 5.36 × 10⁻¹⁹, यही e^(T/300⁻²e^-something÷T, ऐसा करके। तो बस उसी फॉर्मूला का बेस पे आपको बस यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि NI जो है आपका इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टी के स्क्वायर के प्रपोर्शन में होता है। तो बाकी एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, जो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ आंसर की मैं बहुत सारे गलत आंसर है तो इसकी भी मैं आपको बात करूँगा। आपको ग्रीवेंसेस करना है तो आपका कल तक का टाइम है, आप बिल्कुल कर सकते हो। हालांकि 500 रुपीज़ है इसके लिए, लेकिन मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन बताऊँगा, पक्का बताऊँगा कि इसका आंसर यही आएगा। यहाँ पे आंसर गलत दिया है, ठीक है। तो आप ये पूरा सॉल्यूशन देखना, पूरा वीडियो देखना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs आपको मिलने वाले हैं और बहुत इजी पेपर है कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो। यहाँ पे लास्ट में, इस पेपर के लास्ट में, इस एग्जाम के कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे, कट ऑफ कितना रह सकता है, कितना कट ऑफ हो सकता है, आपके इतने मार्क्स हो रहे हैं तो आप होप रख सकते हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ टेक्निकल सेक्शन के बेस पर ही मैं आपको बात करूँगा। इन एनालॉग X(T) इज इक्वल टू 2 sin 300 PT प्लस 5 sin 600 PT सैम्पल बाई 300 samples per second, देन द फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी। फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछा है, या तो आप बोल सकते हो आपको नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा है। फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी, हाँ। तो FS इज इक्वल टू क्या होता है, 2 FM होता है, आपको पता है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे आंसर 300 Hz नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 600 Hz दिया है, तो आपका FS/2 करोगे तो FM = 300 होगा। लेकिन FS/2 ही करना है, FM ही फाइंड करना है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको FS दे दिया है तो फिर आपको इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं करना होता। जब डायरेक्टली FS गिवन है, FS = 300 samples per second, तो आपको डायरेक्टली उसको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है, 150 Hz इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 8085 व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड ऑफ CMP। CMP मतलब कंपेयर इंस्ट्रक्शन, वो क्या करेगा, दो नंबर को कंपेयर करेगा और जो भी रिजल्ट होगा आपका वो रिजल्ट आपको देगा। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो CMP B, देन दिस इंस्ट्रक्शन विल कंपेयर बी विद द एक्यूमुलेटर कंटेंट एंड योर ओपकोड CMP एंड ऑपरेंड इज बी, दैट इज वाई CMP इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट या तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे आपका ऑपरेंड में कोई एड्रेस या कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको इम्प्लिसिट या तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड कहते हैं। सो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लोज लूप सिस्टम, सॉरी कंट्रोल सिस्टम इन विच द आउटपुट हैज एन इफेक्ट ऑन द इनपुट क्वांटिटी इन सच मैनर दैट द इनपुट क्वांटिटी विल बी एडजस्ट इट्सेल्फ बेस्ड ऑन द आउटपुट जनरेटेड इट्स कॉल्ड एज। तो मतलब क्लोज लूप सिस्टम की यहाँ पे बात की है, आपका इनपुट क्वांटिटी विल एडजस्ट इट्स सेल्फ अकॉर्डिंग टू आउटपुट। आपका कोई सिस्टम है यहाँ पे, हाँ, तो आपने यहाँ पे इनपुट दिया है तो आपका जो भी इनपुट होगा वो एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू आउटपुट, ऐसा बोला हुआ है। इसका मतलब यहाँ आउटपुट से फीडबैक लिया हुआ है, तो फीडबैक लिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, जो सिस्टम है वो क्लोज लूप सिस्टम होगा। तो यहाँ पे आंसर टू आएगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन द सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ 550 dB सिग्नल एंड 450 dB नॉइस। तो आपको सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैलकुलेट करना है, यहाँ पे SNR कैलकुलेट करना है, डीबी में दिया है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, डीबी में दिया है यहाँ पे इसलिए आपको 550 माइनस 450 करना पड़ेगा। सिग्नल इन डीबी माइनस नॉइस इन डीबी, क्योंकि सिग्नल टू नॉइस है एस डिवाइड बाई एन। तो डीबी में आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा आपका, सिग्नल इन डीबी माइनस नॉइस इन डीबी, तो 550 माइनस 450 डीबी मतलब 100 dB। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑड वन आउट, आपको ऑड जो है आंसर उसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे एक ही है सिक्वेंशियल सर्किट, बाकी सारे कॉम्बिनेशनल है, मतलब डिकोडर एनकोडर मल्टीप्लेक्सर सारे कॉम्बिनेशनल है। तो आपका सिक्वेंशियल कौन सा है, एक ही है यहाँ पे जो क्या है काउंटर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, काउंटर आंसर आएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही है यहाँ पे वो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे आपका ऑप्शन टू काउंटर जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो टू इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि काउंटर जो है वो सिक्वेंशियल सर्किट है, बाकी जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं सारे जो है वो कॉम्बिनेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द वेव ट्रैवलिंग विद द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दिया हुआ है, आपको बताना है स्पीड, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला है बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, सी इज इक्वल टू एफ लैम्ब्डा, बस इसी में वैल्यू रखना है और कुछ नहीं, c इज इक्वल टू एफ लैम्ब्डा। तो c आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, f कितना होगा यहाँ पे 0.2 हर्ट्ज होगा इनटू लैम्ब्डा, दैट इज 0.05 किलोमीटर, मतलब 0.05 इनटू 10^3 किलोमीटर लिखा है। देखो यहाँ पे तो गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसी गलती काफ़ी लोग कर देते हैं और आंसर गलत लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप करोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो टू ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपनसेटर फ्रॉम द गिवन फिगर। ये जो कंपनसेटर दिया है यहाँ पे, कैपेसिटर, लो पास फिल्टर, ये कौन सा कंपनसेटर है, लैग कंपनसेटर, आपको देख के पता चल जाएगा। लैग कंपनसेटर लो पास फिल्टर जैसा होता है, आप आउटपुट जो है वो आउटपुट कैपेसिटर के थ्रू लेते हो। तो यहाँ पे आपका फेज लैग नेटवर्क है, हाँ, ये हाई गेन एट लो फ्रीक्वेंसी देगा। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ लो पास फिल्टर ऑल्सो। द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस नेटवर्क इंक्रीजेज द स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। लैग नेटवर्क ऑफर्स अ रिडक्शन इन द बैंडविड्थ एंड दिस प्रोवाइड अ लॉन्गर राइज टाइम एंड सेटिंग टाइम, सो द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो इंप्रूव करेगा। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, लैग कंपनसेटर। मैंने आपको लैग कंपनसेटर के बारे में थोड़ा और डिटेल बताया, अगर लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया था तो वहाँ भी मैंने आपको कंपनसेटर के बारे में बताया था, तो आपको इस क्वेश्चन जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरेज इन्फॉर्मेशन पर मैसेज एच इक्वल टू 4 bits पर सिम्बॉल एंड एन इक्वल टू एवरेज कोड वर्ड लेंथ 20, देन कैलकुलेट इट्स कोड। यहाँ पे आपको कोड एफिशिएंसी पूछा है, कैलकुलेट इज कोड एफिशिएंसी। तो देखो कोड एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू एच बाय एन होता है, एच बाय एल होता है, क्या यहाँ पे एन दिया है तो एच बाय एन होगा, इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज में पूछा हुआ है। तो आपका एच क्या होगा, 4, एन दिया हुआ है 20, यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू रखना है, इनटू 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 5 4 20 20% आंसर आएगा। यहाँ आंसर जो दिया है गलत दिया है, 50% आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन 3 20% इज द राइट आंसर। तो इसमें जो है आप ग्रीवेंस कर सकते हो। नेक्स्ट, द ट्रांसफर फॉर्मूला फॉर ब्लैंक इन द कंट्रोल सिस्टम इज, आपको ट्रांसफर फॉर्मूला दिया हुआ है, हाँ, आपको क्या मिलेगा, आपका सिस्टम में एक पोल है आपका
माइनस वन अपॉन अल्फा टाउ पे, और एक जीरो है माइनस वन अपॉन टाउ पे। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो, आपका एक पोल है माइनस वन अपॉन अल्फा टाउ पे और एक जीरो है माइनस वन अपॉन टाउ पे। तो ये कौन सा नेटवर्क है? माइनस वन अपॉन टाउ पे जीरो, इसका मतलब ये लैग नेटवर्क है। तो यही पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे लैग कंपनसेटर है, बिल्कुल सही है। टाउ इज इक्वल टू आर टू सी होगा, अल्फा इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाई आर टू होगा। ये नेटवर्क जो अभी हमने देखा ऊपर, सर्किट, यही सर्किट, यही सर्किट का तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया हुआ है। अगर आप ये सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। सो यही लैग नेटवर्क है। लैग नेटवर्क से दो क्वेश्चन पूछ लिए दोस्तों। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाया, उसमें बताया था अगर आप ये कर लोगे तो नेक्स्ट एग्जाम में यूजफुल होगा। देखो 2 मार्क आपके ऐसे ही आ गए। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल द ब्लैंक इन द फर्स्ट स्टेप इज द मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो इन द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो आपका जो पीएन जंक्शन डायोड का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले इंजेक्शन होता है, उसके बाद डिफ्यूजन होता है, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन होता है। तो आपका इंजेक्शन सबसे पहला स्टेप होगा, यही तो पूछा है। तो ये ऑप्शन इंजेक्शन ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फोटो डायोड। फोटो डायोड का एट्रीब्यूट क्या नहीं है, ऐसा पूछा हुआ है यहाँ पे। हाँ, इट कैन बी कॉन्फिगर इन द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बायस। ये बिल्कुल सही है। ज़्यादातर रिवर्स बायस डायोड है, फोटो डायोड तो रिवर्स बायस में यूज होता है, लेकिन फॉरवर्ड बायस दे सकते हो, नॉर्मल डायोड वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अ सेमी कंडक्टर कॉम्पोनेंट दैट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। बिल्कुल, लाइट आप दोगे तो फोटोन आएंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन जो है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। तो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही है। इट इज मेड फ्रॉम टू लेयर्स ऑफ द सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड, बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट, ऐसा लिखा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत है इस पेपर में कि इसमें से क्या सही नहीं है, ऐसा पूछा है। इट रिक्वायर्ड अ पावर सोर्स विद द प्रॉपर बायसिंग टू ऑपरेट। ये ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, आपका वोल्टेज सोर्स चाहिए विद द प्रॉपर बायसिंग, हाँ पावर सोर्स नहीं चाहिए। तो यहां पे ये जो लिखा है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट ऑफ एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या सही है, ये फाइंड करना। बेसिस क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, हाँ कि 2 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, ऐसे क्वेश्चन अब बहुत सारी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट, इसे MSQ कहते हैं। गेट ने इंट्रोड्यूस किया है 2021 से, तो उसके बाद ये हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। फीडबैक एलिमेंट इज एबसेंट, बिल्कुल ओपन लूप में नहीं होता फीडबैक एलिमेंट। इट हैज कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, नहीं बहुत सिंपल होता है, कॉस्टली भी नहीं होता, एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं होता। इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, हाँ बिल्कुल लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है क्योंकि एक ही ओपन लूप होगा। इट इज़ अनरिलायबल, बिल्कुल अनरिलायबल है। इट इज़ अ लार्ज बैंडविथ, बिल्कुल ज़्यादा बैंडविथ मिलेगा। सो 1 5 6 7, ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू फॉर द सर्किट शोन। देखो यहाँ पे आपको एक सिंपल स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है, हाँ इसे एलिमेंट लो भी कहते हैं। तो सिंपल ए डॉट वन क्या होगा, ए होगा, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ये क्या ड्रॉ किया हुआ, ए डॉट ए ही होता है, ये गलत नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो बात बताना चाह रहे, जो ड्रॉ किया है सर्किट, वो ए सीरीज में है विद द ओपन सर्किट, मतलब ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो के लिए बात किया हुआ है। तो ये सही है यहाँ पे, और ये भी सही है, ये लो होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए डॉट वन है वो 1 होगा, आउटपुट में बिल्कुल 1 नहीं मिलेगा, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ ओपन सर्किट है। यहाँ शॉर्ट सर्किट होता तो ए डॉट 1 1, ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए, ये सही आंसर होता। ओके, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऐसा पूछा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट गेट डायग्राम फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अब आपको करेक्ट गेट डायग्राम ड्रॉ करना है। डी प्राइम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी प्राइम इंटू ए बी प्लस सी। तो देखो यहाँ पे तो ए प्राइम हो रहा है, तो बिल्कुल ये गलत है। सेकेंड में देखते हैं, डी प्राइम हो ही नहीं रहा है, इसमें ए बी सी ही है, डी तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ए बी सी डी प्राइम हो रहा है, यहाँ भी ए प्राइम हो रहा है, तो ये भी गलत है। आप देख के बता सकते हो, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। डी प्राइम सिर्फ एक ही सर्किट में हो रहा है, 3 में, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर सिग्नल लैंग्वेज एक्सपांड INTA क्या होता है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पे दिया है वो बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है। INTA क्या है,
इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है. सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर. व्हेन माइक्रोप्रोसेसर रिसीव्स इंटरप्ट सिग्नल इट सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू द पेरिफेरल व्हिच इज रिक्वेस्टिंग फॉर इट्स सर्विस. सो इट इज द INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सर्किट डायग्राम. ऊपर जैसा क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन दूसरी बार पूछ लिया. a+1=1 होता है, बिल्कुल सही है. देखो a+1 करना है, मतलब आपको a+1 मतलब +1 मैंने आपको बताया मतलब शॉर्ट सर्किट, 1 मतलब शॉर्ट सर्किट, 0 मतलब ओपन सर्किट. तो ये ओपन सर्किट दिया हुआ है, ये गलत है. ये दोनों ये दिए हुए हैं, 1 की बात ही नहीं कि ये भी गलत है. देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट दिया हुआ है, ये 1 है. तो a+1 1 होगा, और का बात किया हुआ है तो ये बिल्कुल सही है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपेंसेटर्स ABC फ्रॉम द गिवन. ए कौन सा होगा? देखो यहाँ पे ये आपका इनपुट है, ये तो देख के पता चल जाएगा. आपका बी क्या है? बी कंट्रोलर है. हाँ, आपका कोई भी कंट्रोलर हो सकता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर, जो यहाँ इनपुट में रखते हैं. और सी क्या है? फीडबैक है. तो आपका यहाँ पे ए इनपुट, बी कंट्रोलर, सी फीडबैक, इनपुट कंट्रोलर फीडबैक, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द सैम्पल आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द गिवन इनपुट एंड द सैम्पलिंग पल्स सिग्नल. तो आपको बस सैंपल करना है इस हर एक पॉइंट पे इसको, तो ये आपका सैंपल आउटपुट होगा. तो ऐसा कौन सा है? ये तो यहाँ कटा हुआ है, ये भी नहीं, ये भी कटा हुआ है, तो ये भी नहीं, ये भी कटा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है. पूरा सैंपल किया हुआ है, बाकी सब में डिस्टोर्शन आ रहा है, मतलब सैम्पलिंग ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हो. आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल. ये किसका सिंबल है? देखो अब काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर LDK में तो यहाँ पे एरो होता है, ऊपर ऊपर हो या नीचे हो, LED चारों दिशा में लाइट जो है एमिट करता है. हाँ, उसको एरो यहाँ ड्रॉ करे, यहाँ ड्रॉ करे, यहाँ ड्रॉ करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं सर इसका आंसर गलत है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, LED है. हाँ, अगर फोटो डायोड होता, लाइट अंदर आ रहा होता तो गलत होता. ऐसे ड्रॉ किया होता आपका यहाँ पे तो ये गलत था. तो ये फोटो डायोड होता है, लाइट अंदर आता है, लाइट बाहर जाता है, मतलब LED है. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीडेंस ऑफ एन ऑडियो एम्पलीफायर इज 200 ओम. एग्जाम्पल पूछ लिया है. एंड इम्पीडेंस ऑफ एन लोड इज 50 ओम. व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रेशियो रिक्वायर्ड टू मैच द लोड इम्पीडेंस टू द सोर्स इम्पीडेंस. अब देखो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रेशियो पूछा है. यहाँ पे आपके दो रेशियो होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूँ. हाँ, एक तो आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दैट इज n, स्मॉल n इज इक्वल टू n2/n1, जो आपको यहाँ पे पूछा हुआ है. हाँ, और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म वाइंडिंग रेशियो पूछा है, और दूसरा होता है टर्न रेशियो. टर्न रेशियो जो n होता है वो उल्टा होता है, मतलब n1/n2 होता है. अगर ऐसा पूछा होता तो और कुछ नहीं, आंसर जो है वो डिफरेंट आता, क्योंकि दोनों टाइप के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं. तो अब सिंपल आपको लोड इम्पीडेंस और सोर्स इम्पीडेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल है. इसका एक इक्वेशन है, RS = RL/n2. बस इसमें आपको वैल्यू रखना है और कुछ नहीं. तो RS कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है. हम यहाँ नीचे कैलकुलेट करते हैं, 200 इक्वल टू क्या होगा आपका? 50/n2. तो ये यहाँ n2 यहाँ जाएगा, तो क्या आएगा? 50/200, मतलब 5/20, मतलब 1/4. क्योंकि n2 है तो n क्या होगा? 1/2 होगा. तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे भी और जो आंसर दिया है प्रोविजनल आंसर की में, वो गलत आंसर है. ओके, सो 1/2 करेक्ट आंसर है. अगर टर्न्स रेशियो पूछा होता तो 2:1 तब भी 2:1 होता, 4:1 तो तभी नहीं होता, क्योंकि n2 है. ओके, सो इसलिए यहाँ पे आपको टर्न्स रेशियो नहीं पूछा है, यहाँ आपको ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रेशियो पूछा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछा है, इसलिए 1:2 सही आंसर होगा. तो आपका आंसर की में जो दिया हुआ है गलत आंसर है, इसको भी आप ग्रीवेंस इसमें डाल सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉलोइंग सर्किट डेपिक्ट, मतलब ये सर्किट आपको क्या दिखाएगा? देखो डायोड का डायरेक्शन ऊपर की ओर, और यहाँ पे नेगेटिव बायस. हाँ, मतलब वी बायस जो है वो नेगेटिव है. इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव क्लिपर है. बहुत सिंपल है, सिर्फ ऐसे याद रखना है, क्लिपर क्लैंपर में, और कुछ नहीं. डायोड का डायरेक्शन और बायसिंग, मतलब नेगेटिव वोल्टेज को क्लिप करेगा. और अगर आपको एक सर्किट से भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे तो डायग्राम भी ड्रॉ करके दिया हुआ है. आपका ये शंट नेगेटिव क्लिपर है, आप ऐसा बोल सकते हो, शंट में है डायोड, इसलिए देखो नेगेटिव पोर्शन क्लिप हो गया, ये पोर्शन में से इतना पोर्शन क्लिप हो गया, तो ये नेगेटिव क्लिपर है. शंट बायस डायोड है, नेगेटिव बायस डायोड क्लिपिंग है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Identify the component in the sequence A B C D in the following diagram of digital communication. आपको component देखना है कौन सा है. देखो I मतलब first क्या होगा information source, दूसरा क्या होगा transmitter, फिर transmit करोगे आप the transmission medium से, फिर आपका इसमें बीच में noise आ जाएगा कहीं पे. अब आपका देखो ये received signal है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है message signal है. मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करना होगा, इन्फॉर्मेशन जो आएगा मैसेज में ट्रांसमिट करता है, ये सिग्नल आपका ट्रांसमिट हो गया. फिर आपका रिसीव सिग्नल है, रिसीव सिग्नल रिसीव होगा तो क्या होगा रिसीवर में होगा. फिर आपको रिसीव में कर दिया, मैसेज सिग्नल आपने रिसीव कर लिया तो फिर आपको क्या मिलेगा आपका डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको मैसेज सिग्नल रिसीव करवाना था. मतलब जो भी मैसेज सिग्नल यहाँ पे हमने ट्रांसमिट किया, फॉर एग्जांपल वी ट्रांसमिट किया तो यहाँ वी मिल गया. ये होता है बेसिक कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम. हाँ, डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन हो, बेसिक ब्लॉक डायग्राम यही होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन टू बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही होगा. लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नेम आफ्टर द मैथमेटिशियन एंड रिनोर्ड एस्ट्रोनॉमर हु लिव्ड इन फ्रांस. तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको पता है तभी आप आंसर कर पाओगे, ये पढ़ने में बहुत कम आता है. हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आंसर जो दिया बिल्कुल सही आंसर है. पियर सिमोन जो है वो पियर सिमोन लाप्लासी, इसका उसका पूरा नाम था. हाँ लाप्लासी काफ़ी लोग बोलते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं हम. आपका दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नेम इन द ओनर ऑफ मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर पियर सिमोन लाप्लास, दैट इज लाप्लासी, ऐसा भी बोलते हैं काफ़ी लोग. हु यूज द ट्रांसफॉर्म इन द हिज वर्क ऑन द प्रोबेबिलिटी थियरी. द ट्रांसफॉर्म वॉज डिस्कवर ओरिजिनली बाय लियोनार्ड यूलर एंड प्रोफिलिक 18th सेंचुरी स्विस मैथमेटिशियन. हाँ एक्चुअली उसने दिया था ट्रांसफॉर्म, और फिर लास्ट में क्योंकि उसने डिस्कवर किया और इसके एग्जांपल दिए तो इसके नाम से हो गया पियर साइमन लाप्लास, इसके नाम से लाप्लास ट्रांसफॉर्म. नेक्स्ट पियर साइमन लाप्लासी. व्हाट इज द करेक्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नॉट ए एंड बी. नॉट ए मतलब ए बार, एंड बी मतलब ए बार इंटू बी. बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल है. आपको डिटेल में देखना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा, तो मेरे सारे लेक्चर्स रखे हुए हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट तक, सारे लेक्चर आप देख सकते हो. आपका कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अगर आप लेक्चर देख लिए होंगे तो यहाँ 21 क्वेश्चन आपका रुका नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम ओवर एनालॉग. तो डिजिटल का एडवांटेज क्या नहीं है ओवर एनालॉग, ऐसा यहाँ पे पूछा है. हाँ देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. हाँ ये सारे जो क्वेश्चन है इसमें से मैं इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन कहूँगा, कि देखो क्या एडवांटेज नहीं है ऐसा पूछा है. तो डिजिटल सिस्टम इज हायर एक्यूरेसी एंड कैन परफॉर्म वेरियस कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशन इजिली एज कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम. बिल्कुल सही है, एडवांटेज है. पावर रिक्वायर इन केस ऑफ डिस्क्रीट और डिजिटल सिस्टम इज मोर कम्पेयर टू एनालॉग. ये देखो मोर गलत है, यहाँ पे क्या होगा लेस होगा. तो ये अगर लेस होता तो एडवांटेज होता, मोर है इसलिए एडवांटेज नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल सही है. ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये आंसर सही है. हाँ ये स्टेटमेंट गलत है. तो ये पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट एडवांटेज. डिजिटल सिस्टम कैन हैंडल नॉन लिनियर कंट्रोल सिस्टम मोर इफेक्टिवली देन एनालॉग सिस्टम, ये बिल्कुल सही है. रिलायबिलिटी ऑफ द डिजिटल सिस्टम इज मोर कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम एंड ऑल्सो इव स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट साइज, ये भी बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो ऑप्शन टू बिल्कुल सही आंसर है. स्टेटमेंट सारे सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में लेस पावर रिक्वायर होता है कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम. An antenna with 72 ohm input impedance is compared to the 24 ohm input impedance transmission line. If the source voltage provided input voltage peak 20 to 20, मतलब 20 peak to peak, हाँ मतलब 20 से minus 20 होगा. Then determine the reflection coefficient value of the antenna. मतलब sorry 20 से minus 20 नहीं, 10 से minus 10, मतलब 20 peak to peak. हाँ यहाँ पे ये 10, यहाँ पे ये माइनस 10, मतलब क्या होगा आपका 20 पिक टू पिक. लेकिन इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, और इसलिए उसके लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए मुझे सिर्फ ZL और Z0 ही चाहिए, जो यहाँ पे मुझे दिए हुए हैं. हाँ तो ZL माइनस Z0 डिवाइड बाय ZL प्लस Z0 हम करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 72 ओम इनपुट इम्पीडेंस कनेक्टेड विद द 24 ओम इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ये Z0 है. हाँ तो आपका 72 ओम से कैलकुलेट करोगे तो 72 माइनस 24 डिवाइड बाय 72 प्लस 24 करना है और कुछ नहीं. तो 72 माइनस 24 डिवाइड बाय 70 प्लस 22 प्लस 24 करोगे, मतलब ये क्या आएगा 48 माइनस 72 माइनस 24 मतलब 48 और प्लस 24 मतलब 96. तो 48 डिवाइड बाई 96 1/2 0.5, बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट अ सिग्नल इन गेस्चर एक्शन और साउंड दैट इज यूज टू कन्वे सेंड रिसीव एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिग्नल, बस ये इंपॉर्टेंट है.
फॉर द कम्युनिकेशन, ये कौन सा टाइप का सिग्नल है? देखो यहाँ पे एक सिग्नल का, ये पहला सिग्नल जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ यहाँ से, वो ख़त्म कहाँ हुआ? यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर यहाँ सिग्नल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो बिल्कुल आपको सेम जैसा लग रहा है, नहीं है। देखो यहाँ पे टाइम जीरो के लिए ज़्यादा है, यहाँ पे टाइम वन के लिए ज़्यादा है, तो आपका ये एपिरियोडिक सिग्नल है, पीरियडिक नहीं है। हाँ पीरियडिक सिग्नल मतलब कैसा? आपका साइन सिग्नल, हाँ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ये पीरियडिक सिग्नल है। सो ये कैसा है? ए पीरियडिक दिया है, सो ए पीरियडिक डिजिटल सिग्नल है, फिर भी एनालॉग भी नहीं है, ये भी आप देख लो। देखो डिस्क्रीट और डिजिटल डिफरेंट होता है, हाँ आपको यहाँ पर ऐसा दिया होता तो ये डिस्क्रीट होता, ये डिजिटल है, ए पीरियडिक डिजिटल सिग्नल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, हाँ फिर आप देख लो क्या ट्रू है क्या ट्रू नहीं है, आपको बस यही याद रखना है। हाँ क्या होता है, एन वन बाई एन टू इज इक्वल टू, एन वन मतलब प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, एन टू मतलब सेकेंडरी, यहाँ पे पी एन एस लिखा हुआ है तो हम पी एन एस में लिखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू वी पी बाई वी एस, वोल्टेज में सेम करंट में उल्टा, आई एस बाई आई पी, बस और कुछ नहीं, बस ये देख लो रिलेशन सारे। हाँ इसमें कौन सा गलत है? देखो यहाँ पे आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस होना चाहिए, लेकिन एन एस बाई एन पी होगा, हाँ इसलिए इट इज़ नॉट ट्रू ऐसा पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस नहीं, एन एस बाई एन पी होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे एक्चुअली आप करोगे तो होगा आई पी बाई एस इक्वल टू एन पी बाई एन एस, तो ये गलत है, बाकी सारे सही है, देख लो आपको वेरीफाई करना है कर सकते हो। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन आर मेंशन बिलो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। एनालॉग डिजिटल का आपको डिफरेंस दिया हुआ है, आपको इनकरेक्ट कैलकुलेट करना है। देखो एनालॉग कम्युनिकेशन गेट्स अफेक्टेड बाय नॉइस हाईली ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, वेयर इज डिजिटल कम्युनिकेशन अफेक्टेड बाय नॉइस लेस, ये बिल्कुल सही है। इन एनालॉग कम्युनिकेशन प्रोबेबिलिटी इज हाई, वेयर डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोबेबिलिटी इज लो, ये भी बिल्कुल सही है। इन एनालॉग कम्युनिकेशन फॉर मल्टीप्लेक्सिंग एफडीएम का यूज़ होता है, और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए टीडीएम का यूज़ होता है। अगर आपने मेरे जेटीओ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे तो ये बार बार इस क्वेश्चन वहाँ पूछ लिया था, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रखे हैं मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपका ब्रांच है तो ऑलमोस्ट 16-17 जेटीओ एलआईसी के जीएससी सीएल के जीपीएससी के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन रखे, सारे क्वेश्चन पेपर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसमें। डिजिटल कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड लो बैंडविड्थ, वेयर इज एनालॉग कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हाई बैंडविड्थ। देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है। हाँ मेरे हिसाब से ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इन बाइनरी कैन रिक्वायर कंसिडरेबली मोर बैंडविड्थ देन फॉर द एनालॉग सिग्नल। हाँ मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट में क्या होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हाई बैंडविड्थ एंड एनालॉग कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड लो बैंडविड्थ, तो ये स्टेटमेंट सही होता। हाँ मतलब ये स्टेटमेंट सही है, इस हिसाब से यहाँ पे हाई कर दो और यहाँ पे लो कर दो, तो मतलब यहाँ पे आंसर सही है, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ। हाँ तो देखो यहाँ पे जब भी ऐसा होता है नॉट वाला कन्फ्यूजन क्रिएट थोड़ा हो ही जाता है, हाँ इसलिए ऐसा बहुत पूछा हुआ है इस पेपर में। इनकरेक्ट वन, कौन सा गलत है ऐसा पूछा है, तो ये आंसर सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको 24 चैनल की बात करें, हाँ 24 एनालॉग वॉइस चैनल को आपको भेजना है, तो आपको 24 एनालॉग वॉइस चैनल भेजने के लिए 96 किलोहर्ट्ज़ चाहिए, सिंपल 24 एनालॉग वॉइस चैनल के लिए। अगर यही 24 आपको डिजिटल में भेजना है तो उसके लिए आपको 776 किलोहर्ट्ज़ चाहिए, 776 किलोहर्ट्ज़, देखो कितना ज़्यादा है, 776 और 96 में कितना डिफरेंस है, मतलब ये डिजिटल के लिए हाई बैंडविड्थ चाहिए, एनालॉग के लिए लो बैंडविड्थ चाहिए, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी मॉर्गन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द, ये और कुछ नहीं बबल्ड और गेट है, बबल्ड और मतलब एंड गेट होता है, ऑप्शन ये सही है। आप मेरा लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन मतलब आप कल वीडियो देखे हो मेरा यहाँ पे यूट्यूब पे, तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन आया होगा। इन GSM एस स्टैंड फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी FS एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल FM फॉर द स्पेक्ट्रम शोन। इस स्पेक्ट्रम के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है, तो देखो यहाँ पे एलियाजिंग हो रहा है, ओवर मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, FS लेस देन ट्वाइस FM है, तो FS लेस देन ट्वाइस FM है, तो आपका ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54,
The vector calculus identities are given below for one of its function. Select the correct option. देखो आपको यहाँ पे वेक्टर आइडेंटिटीज दी है, डेल एफ प्लस जी इज इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी, डेल सी एफ इज इक्वल टू सी डेल एफ, सी इज द कॉन्स्टेंट हियर, एफ इज अ फंक्शन हियर, ओके. नेक्स्ट डेल एफ जी इज इक्वल टू एफ डेल जी प्लस एफ डेल जी डेल एफ, इन शॉर्ट हियर बोथ आर फंक्शन एफ एंड जी, यहाँ पे दोनों फंक्शन हैं, तो ऐसे होगा मल्टीप्लीकेशन में एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, देन डेल एफ डॉट जी होगा तो एफ क्रॉस डेल क्रॉस एफ माइनस डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी प्लस डेल डॉट जी एफ बार प्लस एफ डॉट डेल बार, मतलब डेल बार मतलब आपको यहाँ पे जो ऊपर दिया है एरो वेक्टर आइडेंटिटी के लिए है, बार का मतलब और कुछ नहीं, यहाँ पे आपको ऊपर एरो दिया है मतलब ये शो कर रहा है कि ये वैक्टर है और कुछ नहीं. तो यहाँ पे ये जो बात की है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये सारे जो फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज़ फॉर ग्रेडियंट फंक्शन, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे. तो डाइवर्जेंस होता तो क्या होता सर? डाइवर्जेंस होता तो डेल डॉट होता सब में, डेल डॉट एफ होता, डेल डॉट सी एफ होता, क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं दिया है बीच में, इसका मतलब ये ग्रेडियंट है. और इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ आपको पता है काफ़ी लोग बोलते हैं ऐसे, हाँ डेल एफ बाई डेल एक्स, मतलब एक्स वाई जेड फॉर एग्जाम्पल है तो डेल एफ बाई डेल एक्स, ऐसा नहीं बोलते इसको, डो एफ बाई डो एक्स बोलते हैं, दिस डो एफ बाई डो एक्स प्लस डो एफ बाई डो वाई प्लस डो एफ बाई डो जेड, ऐसा कहते हैं अगर एक्स वाई जेड आपका कोऑर्डिनेट्स है तो. ओके, सो दिस ग्रेडियंट फंक्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वन इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फेज लीड कंपनसेशन, फेज लीड कंपनसेशन का इफेक्ट क्या नहीं है ऐसा पूछा है. The velocity constant increases, बिल्कुल होता है. The slope of the magnitude float reduces at the green cross over frequency so that relative stability improves. Error decreases due to error is directly proportional to the slope. ये बिल्कुल सही है. Phase margin जो है वो increase होता है, phase margin decrease नहीं होता, ये statement गलत है. Phase lead compensator में phase margin जो है वो इंक्रीज होता है, इसलिए हाँ क्या होगा देखो मैं आपको बताता हूँ. फेज लीड कंपनसेटर इज अ पर्टिकुलरली वेल सुटेड टू एडजस्टिंग प्लांट्स फेज मार्जिन बिकॉज वी कैन यूज इट टू इंक्रीज द फेज मार्जिन बाय एडिंग द फेज लीड, फेज लीड को हम ऐड करके फेज मार्जिन को हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन सर्किट, इसमें से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन सर्किट ऐसा पूछा हुआ है. हाँ तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये सारे कॉम्बिनेशन है, सबट्रैक्टर एडर कंपैरेटर मल्टीप्लेक्सर, ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या था, कौन सा कॉम्बिनेशन है कौन सा सिक्वेंशियल है, यहाँ पे तो सारे कॉम्बिनेशन दिए हैं लेकिन यहाँ पे पूछने का मतलब ये है कि डेटा ट्रांसमिशन में हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन में मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं, मक्स डीमक्स बहुत यूज होता है डेटा ट्रांसमिशन में. हाँ आप BSNL के ऑफिस में चले जाओगे तो बहुत बड़े बड़े मक्स आपको देखने को मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ब्लैंक टेस्ट फॉर नंबर ऑफ वंस इन द एक्यूमुलेटर, इफ एक्यूमुलेटर होल्ड्स इवन नंबर ऑफ वंस एंड देन द फ्लैग इज सेट एंड इफ द नंबर ऑफ वन इज ऑड देन इट इज रीसेट, इवन है तो सेट होगा ऑड है तो रीसेट होगा, किसकी फ्लैग की बात कर रहे हैं, आपको फ्लैग पूछा है यहाँ पे, ये जो फ्लैग की बात कर रहे हैं वो कौन सा फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है. हाँ एरर करेक्शन डिटेक्शन के लिए होता है यूज, आपको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा ये नंबर है 01101010 और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरा सिस्टम जो है वो इवन पैरिटी पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सिस्टम में जितने भी कोड्स होंगे जितने भी नंबर्स होंगे जो भी मैसेज होगा सारा इवन नंबर ऑफ वंस होगा. तो इवन पैरिटी पे वर्क कर रहा है मतलब यहाँ पे देखो इवन नंबर ऑफ वंस नहीं है तो मुझे पैरिटी फ्लैग को सेट करना पड़ेगा, इससे क्या होगा मेरा नंबर ऑफ वंस इवन हो जाएगा. तो ऐसे एरर चेकिंग एरर करेक्शन डिटेक्शन में पैरिटी का यूज बहुत होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द डायग्राम बिलो आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द सिक्वेंस रिस्पेक्टिवली, आपको ए एंड बी क्या है वह बताना है. तो ए एंड बी में यहाँ क्या दिया हुआ है, ऊपर कंडक्शन बैंड है सी बी, नीचे वैलेंस बैंड है वी बी, दोनों के बीच का बैंड गैप बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या होगा, इंसुलेटर होगा. दोनों के बीच का बैंड गैप बहुत कम, मीडियम बैंड गैप है, आप एक कह सकते हो अप्रोक्सली 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अराउंड, तो ये क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा. अगर कंडक्टर होता तो इसमें ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड होता है, मतलब मेटल में, तो आपका यहाँ पे एक इंसुलेटर है एक सेमीकंडक्टर है, ऑप्शन फोर बिल्कुल सही आंसर है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 8-बिट रजिस्टर यूज टू परफॉर्म एरिथमेटिक लॉजिकल आईओ एंड लोड स्टोर ऑपरेशन, इट कनेक्टेड टू इंटरनल डेटा बस एंड एएलयू। देखो आपका 8-बिट रजिस्टर जो बताया है, जो आईओ ऑपरेशन करेगा, सारा डेटा वहाँ पे स्टोर होगा, डेटा बस को लेके कनेक्ट करेगा, एक सब कौन करता है? 8-बिट का रजिस्टर पूछा है आपको, तो 8-बिट का रजिस्टर कौन सा है? एक्यूमलेटर है। प्रोग्राम काउंटर 16-बिट का होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर नहीं है। जनरल पर्पज रजिस्टर सारे जो होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं, वो जो सारा 8-बिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आईओ ऑपरेशन वगैरह जो करेगा वो कौन करेगा? एक्यूमलेटर करेगा, तो एक्यूमलेटर ही सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट का एट्रीब्यूट क्या नहीं है? ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ लिया है, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर वैसे ईजी है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लॉजिक बहुत पूछ लिया है, इसलिए काफ़ी लोग गलती करके आ जाते हैं इसमें। इट एग्जिबिट्स अ फास्टर स्पीड, हाँ तो फास्टर स्पीड देखो कॉम्बिनेशन सर्किट में होगा। इट इज़ कंप्लीटली इजी टू डिजाइन, बिल्कुल नो फीडबैक इज प्रेजेंट, बिल्कुल फीडबैक नहीं होता कॉम्बिनेशन सर्किट में, मतलब आपका जो प्रेजेंट आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड रहेगा, पास्ट आउटपुट पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो सर्किट इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट सर्किट नहीं होता, क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो आपका सिक्वेंशियल सर्किट होता तो टाइम डिपेंडेंट होता, हाँ क्लॉक पे डिपेंड रहता, क्योंकि फीडबैक पे डिपेंड नहीं है, टाइम पे डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखो ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। द जंक्शन कैन बी डैमेज विथ रिवर्स करंट इफेक्ट, बिल्कुल जंक्शन को हम डैमेज कर सकते हैं विद द रिवर्स करंट इफेक्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जंक्शन डायोड इज सेमीकंडक्टर डायोड दैट कंडक्ट सिंपली इन द सिंगल डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल ज़्यादातर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो कंडक्ट करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में भी काफ़ी यूजेज है उसके, लेकिन ज़्यादातर सेमीकंडक्टर कंडक्ट कहाँ पे करेगा आपका पीएन जंक्शन डायोड? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डोपिंग लेवल ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज लो, अब देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड नहीं है। डोपिंग पीएन जंक्शन डायोड का आपको डिसाइड करना होता है कैसा रखना है, कौन सा डायोड बनाना है। जैसे कि हम सेनर डायोड बना रहे हैं तो डोपिंग हाई होगा, टनल डायोड बना रहे हैं तो डोपिंग हाई होगा, पीएन जंक्शन डायोड मतलब सारे डायोड आ गए, हाँ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की बात हो रही है तो इसमें सब कुछ होगा। देखो रिवर्स करंट इफेक्ट डैमेज करेगा जंक्शन को, तो ये पीएन जंक्शन डायोड में सब में होगा। डायोड डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। यहाँ पे जो आंसर दिया है, डायोड जो है वो ओम का लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि डायोड का कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर होता है, डायोड जो है वो नॉन लीनियर रेजिस्टर है। ओके तो देखो यहाँ पे वैसे डॉपिंग लो होता है पीएन जंक्शन डायोड में, नहीं होता ऐसा नहीं है। ओके लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए है, या तो सारे स्टेटमेंट सही है, या तो मुझे कोई एक स्टेटमेंट ढूंढना है जिसमें फॉल्ट निकाल सकूँ, तो ये स्टेटमेंट 3 होगा, स्टेटमेंट 4 नहीं होगा, क्योंकि डायोड डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। डायोड जो है वो ओम का लॉ फॉलो बिल्कुल नहीं करता है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डज ओबे ओम लॉ ऐसा लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो यहाँ पे भी आप ग्रीवेंस कर सकते हो, या तो सबको मार्क दे दे क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन सही है, या तो आपको कोई एक ऑप्शन अगर नियरेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो कि डोपिंग लेवल और पीएन जंक्शन डायोड लो ही होता है, ऐसा नहीं होता है, मॉडरेटली डॉप भी होता है, हाईली डॉप भी होता है। नेक्स्ट, एसिंक्रोनस सर्किट आर वाइडली यूज इन सिंगल माइक्रोप्रोसेसर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इन कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ईमेल एप्लीकेशन इंटरनेट एक्सेस। एसिंक्रोनस सर्किट सपोर्ट लो पावर एंड हाई स्पीड, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रीजन जो है वो एसर्शन जो है उसको रीजन जो है उसका रीजन सही है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आईएएस की एग्जाम में जो होते हैं, यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है उसमें से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, आपको भी एक दो यहाँ पे पूछ लिए हैं, इससे पहले की एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन पूछते थे, तो मैंने आपको बात में आप की थी कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो एसिंक्रोनस सर्किट जो है वो वाइडली यूज होता है सिंपल माइक्रोप्रोसेसर डिजिटल सर्किट प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन सिस्टम ईमेल एप्लीकेशन में सब में, वो बिल्कुल सही है, और लो पावर हाई स्पीड को सपोर्ट करता है एसिंक्रोनस, इसीलिए यूज होता है, ये भी सही है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, ऑप्शन 4 इज बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्रोल सिग्नल ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर फ्रॉम द फॉलोइंग, कंट्रोल सिग्नल आइडेंटिफाई करना है। तो देखो आप कंट्रोल सिग्नल कौन सा होता है, रीड राइट एंड रेडी, ये 3 कंट्रोल सिग्नल होते हैं। ये जो है ये स्टेटस सिग्नल है, ये तो आपके हार्डवेयर रिसेट होल्ड एंड रिसेट जो है पिन होते हैं, तो आपका कंट्रोल सिग्नल रेडी होता है, बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी इज द कैपेसिटी इन बीट्स पर सेकेंड, बी इज द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इन हर्ट्ज़, एज इज सिग्नल एंड एन नॉइस, देन द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चैनल फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन है और सबको आपको आया होगा। सी इज इक्वल टू बी लॉग टू वन प्लस एस बाय एन, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मुझे बताना है आंसर, अगर बी टेंड्स टू इन्फाइनाइट होगा तो सी इक्वल टू क्या होगा। अगर आपको पता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्वेंशियल सर्किट यूजुअली रिक्वायर्स ट्रिगरिंग, सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन क्लॉक। सिक्वेंशियल सर्किट में ट्रिगरिंग चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो क्लॉक पे डिपेंड रहता है। ये भी सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन शायद काफ़ी लोगों ने सही नहीं किए होंगे, गलत होंगे, इससे पहले भी एक दो पूछा है। तो अब तक हमने जिस क्वेश्चन किए 65 मतलब 20 से 65 तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें चार पाँच क्वेश्चन ऐसे आए जो काफ़ी लोग शायद नहीं कर सके होंगे। नेक्स्ट, एक्सपांड आई वी टी एंड एफ वी टी इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आई वी टी मतलब इनिशियल वैल्यू थियरम, एफ वी टी मतलब फाइनल वैल्यू थियरम। अगर थियरम आपको पता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिलेबस में है तो पीटा हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो सिंपली आपको यहाँ पे तो नाम पूछ लिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियल वैल्यू थियरम एंड फाइनल वैल्यू थियरम होगा। फाइंड आउट ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सारे इम्प्यूरिटीज़ है। यहाँ पे सिलिकॉन आपका जो है फोर्थ ग्रुप, हाँ फॉस्फोरस मतलब फिफ्थ ग्रुप, फॉस्फोरस आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, ये थर्ड ग्रुप, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये फिफ्थ ग्रुप। तो आपका सिलिकॉन जो है वो फोर्थ ग्रुप में होगा। हाँ, योर पीरियोडिक टेबल की बात है, सिंपल ऑड वन आउट सिलिकॉन होगा। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर एल टी आई सिस्टम विद बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट है तो वाई ऑफ एफ क्या होगा। आपको पता है एच ऑफ एफ इज इक्वल टू आपका ट्रांसफर फंक्शन जो होगा, एच ऑफ एफ इज इक्वल टू आपका वाई ऑफ एफ डिवाइड बाय एक्स ऑफ एफ होगा। तो वाई ऑफ एफ क्या होगा आपका, एच ऑफ एफ इंटू एक्स ऑफ एफ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट, टी में ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ टी में कन्वोल्यूशन करना पड़ता है, एफ में लिख रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर रहे हैं, टी में वो क्या होगा, कन्वोल्यूशन होगा। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट पूछा है, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ऑड वन आउट पूछा है। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गलती है मतलब आंसर में। तो यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस के साथ एक्चुअली यहाँ पे ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, मतलब बायसिंग का टर्मिनल लिखा है, मतलब ये डायोड रिवर्स बायस में है तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट जीरो फ्लो होगा, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये बिल्कुल सही है। डायोड फॉरवर्ड बायस में है, स्विच क्लोज है तो डायोड के अक्रॉस उसके जो वोल्टेज होंगे, कट इन वोल्टेज, वो आएंगे 0.7 प्लस माइनस, ये भी सही है। यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायस में है, यहाँ पे प्लस दिया एनोड को, कैथोड को माइनस दिया, तो फॉरवर्ड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये उल्टा दिखाया हुआ है फॉरवर्ड करंट। यहाँ पे फॉरवर्ड करंट ऐसे फ्लो नहीं होता है, ऐसे रिवर्स करंट फ्लो होता है। डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड करंट का डायरेक्शन ये होगा, हाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा, तो ये सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन फोर, ऑप्शन वन नहीं। ओके, नेक्स्ट, एनीथिंग स्टोर्ड इन ब्लैंक इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। एनीथिंग स्टोर्ड इन द रैम इज लॉस्ट, रैम में जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दोगे, क्योंकि रैम जो है आपका कैसा है, वोलेटाइल मेमोरी है, विद रिमूविंग पावर सप्लाई आपका डेटा चला जाएगा। नॉइस पावर एन पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा पूछा हुआ है यहाँ पे। आपका जो नॉइस पावर होगा, हाँ वो किससे इंडिपेंडेंट होगा, तो डिपेंड होता है बैंडविड्थ पे, बिल्कुल डिपेंड होता है। देन आपका टेम्परेचर इन डिग्रीज पे डिपेंड होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के पे डिपेंड होता है, बिल्कुल होता है, नॉइस पावर का इक्वेशन ही है। सिस्टम इम्पीडेंस से नॉइस पावर का कोई लेना देना नहीं है, इम्पीडेंस पे नॉइस डिपेंड नहीं होता। सो नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंडिपेंडेंट, कौन सा फॉलो नहीं करता, ऐसा पूछा है, तो बिल्कुल सही आंसर है सिस्टम इम्पीडेंस ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज डिफाइंड एज द एवरेज इन्फॉर्मेशन पर मैसेज, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल इन्फॉर्मेशन टू द नंबर ऑफ मैसेज। तो क्या होगा, एवरेज इन्फॉर्मेशन पर मैसेज मतलब एंट्रोपी, एच, हमने ऊपर भी बात की, एफिशिएंसी फाइंड किया था एंट्रोपी की, सो एंट्रोपी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू बिल्कुल सही है। मैच द फॉलोइंग, बीजेटी में क्या होगा, बीजेटी में अर्ली इफेक्ट होगा, आपको ये पता है, और आपका लेजर कैपेसिटर में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, अगर दो ही पता है तब भी आप आंसर कर पाओगे। ओके, जे फेट में पिंच ऑफ वोल्टेज होगा और मॉस कैपेसिटर में फ्लैट बैंड वोल्टेज होगा।
लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन का इफेक्ट होता है। ओके, लेजर का फुल फॉर्म तो बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो ए में क्या आया, ए में 3, बीजेटी के सामने 3, मॉसफेट के सामने 4, लेजर के सामने 1, जेफेट के सामने 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन सा है, 4, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन गेट डायग्राम। इस क्वेश्चन बहुत पूछ लिए है, आपने मेरे लेक्चर देख लिए हो तो यूट्यूब पे, तो आपका 21 क्वेश्चन ऐसा नहीं रुकता। वैसे सिंपल है बहुत क्वेश्चन लॉजिक गेट से। तो यहाँ पे देखो ए दिया हुआ है और ए बी बार है, तो ए बी बार एक तो आएगा सबसे पहले, सब में दिया है ए बी बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली ए बी, ए बी आएगा इंटू सी बार, ए प्लस बी, हाँ मतलब और गेट है तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू सी बार, तो ए प्लस बी इंटू सी बार ही ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है, ए बी बार इन प्लस सी बार, यहाँ पे अगेन क्योंकि और ऑपरेशन है तो ए बार, ए बी बार प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको डायग्राम दिया है, देर आर सेवरल डिफरेंट वे टू एक्सेस द चैनल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रिफरिंग द इमेज बिलो। देखो यहाँ पे कोर्स दिए हुए हैं, D1 C1 plus D1 C2 plus D3 C3 plus D4 C4, हाँ यहाँ पे D1 है, D1 C1 है, D2 C2 है, यहाँ पे D3 C3 है, D4 C4 है, मतलब ये कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग है, कोर डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कोर दिए हुए हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, CDM है, कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लॉक सिग्नल फॉर 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो क्लॉक आउट होता है X1 X2 आप दोनों का, जो क्रिस्टल होता है आपको पता है X1 X2 जोड़ दिया जाता है, VCC का मतलब सप्लाई होता है, क्लॉक थोड़ी होता है, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एसिंक्रोनस सर्किट एंटर इनटू अ रॉन्ग स्टेट बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द अराइवल ऑफ द इनपुट, दिस इज कॉल्ड एज रेस कंडीशन। देखो रेस अराउंड डिफरेंट होता है, रेस डिफरेंट होता है, हाँ क्योंकि आपका टाइम इंटरवल चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ एक, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 10 मिलीसेकंड का एक पल्स है मेरे पास, हाँ 10 मिलीसेकंड का एक पल्स है, तो यहाँ पे मेरा जो इनपुट है फॉर एग्जांपल 1 मिलीसेकंड है, वो यहाँ स्टार्ट हो गया, मतलब स्टार्ट आगे होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल नॉट गेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने इनपुट में 0 दिया है तो आउटपुट में मुझे 1 मिलना चाहिए, लेकिन इनपुट में मैंने 0 दिया तो यहाँ पे 1 मिलीसेकंड यहाँ स्टार्ट हो गया, तो अगर पल्स विड्थ में चेंज हो गया 10 बार ये प्लस माइनस 1 0 1 0 1 0 होगा, लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में 0 ही आउटपुट में आए, तो इस कंडीशन को कहते हैं रेस कंडीशन, और ये एसिंक्रोनस सर्किट में ही होता है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ LTI सिस्टम विद द इनपुट HT एंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स XT। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूछा है, तो XT इंटू H1T डिवाइड बाई H2T इज इक्वल टू XT इंटू H2T डिवाइड बाई H2T, ऐसा कोई प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। नेक्स्ट, XT इंटू HT इज इक्वल टू HT इंटू XT, ये बिल्कुल सही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपको पूछा है XT, बाकी भी हम देख लेते हैं, हाँ कौन सा प्रॉपर्टी कौन सा है, ऐसा नहीं कि जो पूछा है मतलब आंसर आ गया मतलब आगे बढ़ो, ऐसा काम नहीं है, हाँ सब कुछ देखना है डिटेल में। XT इंटू H1T इंटू H2T, तो ऐसे लिखे X1T इंटू H2T इंटू H1T इंटू H2T, मतलब तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे जो बीच में प्लस किया हुआ है X1T इंटू H1T प्लस X2T इंटू H2T, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, सो आपको यहाँ पूछा है कि आपको कौन सा प्रॉपर्टी पूछा हुआ है, कम्यूटेटिव, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एवालांच डायोड। एवालांच डायोड का एडवांटेज क्या नहीं है, ऐसा पूछा है, हाँ एवालांच डायोड की हम डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। दिस डायोड प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम द डैमेज वंस द वोल्टेज और करंट इंक्रीज सडनली, बिल्कुल सही है। एज कम्पेयर टू जनरल डायोड द नेसेसरी एवालांच ब्रेकडाउन वोल्टेज इज हायर, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आपका एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन द हाई रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाई टू द डायोड, व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ओके, तो एज कंपेयर टू जेनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज जो एवलांच ब्रेकडाउन होता हायर वोल्टेज पे है। ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो एडवांटेज नहीं है एवलांच डायोड का, ऐसा दिया हुआ है। डायोड इज अ हाई परफॉर्मेंस, द करंट इन एवलांच ब्रेकडाउन गिव्स हाई करंट, ये भी सही है। दिस डायोड गिव्स हाई परफॉर्मेंस, ये भी सही है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली एक चार में से एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, चारों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एडवांटेज क्या नहीं है एवलांच का, ऐसा पूछा है। तो ये वोल्टेज हायर होता है, ये एडवांटेज नहीं होता, ये डिसएडवांटेज होता है, ऐसा आप गिन सकते हो। तो यहाँ पे सही आंसर 2 जो दिया है वो सही है, ऐसा आप कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बहुत सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। देखो काफ़ी लोग सब कुछ कैलकुलेट करने लगते हैं, एमीटर में एक करंट कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। 200 ओम एमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया है तो 200 पैरेलल 20 करना है, 18.18 समथिंग मिलेगा, प्लस 2 करना है मतलब 20.18 आंसर आएगा। बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, दिस पैरेलल दिस होगा, ये आर वन आप गिनो ये आर टू गिनो तो आर वन पैरेलल आर टू होगा, और प्लस ये आर थ्री गिनो तो प्लस आर थ्री होगा, क्योंकि ये सीरीज में आ जाएगा। फिर इसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा इक्विवेलेंट इसके सीरीज में आ जाएगा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स, अगेन मैच द कॉलम वाला आया। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक किसमें होता है ऐसा पूछा हुआ है। हाँ, मैक एड्रेस कौन देता है, मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर में होता है। मैक आपका जो है कहाँ काम करता है, डेटा लिंक लेयर में काम करता है। देन आईपी एड्रेस ऑप्शन टू में क्या आएगा, नेटवर्क लेयर में काम करता है। आईपी एड्रेस कौन देता है, नेटवर्क लेयर काम करता है। पोर्ट नंबर कौन देता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है, पिटा हुआ क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है पोर्ट नंबर देता है। और स्पेसिफिक एड्रेस जो है आपका एप्लीकेशन लेयर देता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, वेदर गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। क्राई वन वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप इन 1946, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाँ, सी आर ए वाई वन जो है 1946 में ही डेवलप किया गया था, ये स्टेटमेंट जो दिया है यहाँ पे ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द माइक्रोप्रोसेसर बिकेम रियलिटी इन द मिड 1970s विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द लार्ज स्केल LSI सर्किट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन द मशीन लैंग्वेज, ये भी बिल्कुल सही है, सारा स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ अबव ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट। IPv6 एड्रेस इज 128 bit, IPv6 रिटन इन द हेक्साडेसिमल नोटेशन सेपरेटिंग 8 ग्रुप्स ऑफ 16 बिट बाय द कॉलन्स, दस देर आर 8x16 128 bit, बिल्कुल सही है। द मैसेज इज इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी सही है। द ट्रांसमिशन मीडियम इन द फिजिकल पाथ बाय विच द मैसेज ट्रैवल्स फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, ये भी बिल्कुल सही है, सारे स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ अबव मतलब 1, 2, 3 ऑल आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी के बारे में पूछ लिया। इन क्रिप्टोग्राफी बिफोर बींग ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल मैसेज इज कॉल्ड एज प्लेन टेक्स्ट, और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो मैसेज होगा उसे कहेंगे साइफर, साइफर टेक्स्ट। ओरिजिनल मैसेज इज कॉल्ड एज प्लेन टेक्स्ट, द एनक्रिप्टेड मैसेज इज कॉल्ड एज साइफर टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ आपको ओरिजिनल मैसेज पूछा है, प्लेन टेक्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फाइंड्स द रिजल्ट ऑफ वैल्यू वन रेज टू द पावर, रेज टू पावर मतलब इसका साइन का यूज करते हैं वही दिया हुआ है, वैल्यू वन रेज टू द पावर वैल्यू टू इन द MX Excel 2019, तो ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही है। Identify whether the given statement are true or false. A process is the instant of program in execution. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। PCB store the process specific information which includes memory management information. ये स्टेटमेंट भी सही है। Linux is GUI open source multitasking operating system. ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। So all of above are true. जनरली ऐसा ही दिया हुआ है। हाँ, सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए। अब तक चार क्वेश्चन ने किए, सब में यही आंसर है। अगर सब ने यही किया है तो ये सबका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के बारे में बोला है। रैम इज अ वोलेटाइल, इट इज लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी देन द हार्ड डिस्क, ये गलत है। वोलेटाइल होता है लेकिन हार्ड डिस्क से कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। रैम स्टोर्स इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, बिल्कुल नहीं, वोलेटाइल होता है, तो पावर सप्लाई बंद करोगे चला जाएगा। ऊपर इस क्वेश्चन आया था, रैम इज नॉन वोलेटाइल, नहीं होता, रैम वोलेटाइल होता है। रैम इज वोलेटाइल एंड कॉस्टलियर देन सॉलिड स्टेट डिवाइस, बिल्कुल सही। आप मोबाइल देते हो ना रैम देख के 2 GB का, तो अब चला गया, पुराना जमाना हो गया, 4 GB 8 GB 12 GB 16 GB तक के रैम के मोबाइल अवेलेबल है, तो रैम जो होता है बहुत ही कॉस्टली होता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत सही है और सबका सही होगा, ये सब मोबाइल परचेस करते हैं आज के ज़माने में। Which of the following is not the action of count function in MS Excel? तो जो count function है वो function कौन सा नहीं, ऐसा पूछा है, not the action। हाँ, count function जो है जितने भी आपके numbers होंगे, letters होंगे, मतलब जो भी भरा हुआ है आपके function में, आपके cell में, उसको number को count कर लेगा। For example, मैंने 5 ऐसे box है मेरे, हाँ, तो 5 बॉक्स में 5 नंबर वर्ड कुछ भी लिखा हुआ है, तो मैं काउंट दे दूंगा तो मतलब मुझे 5 देगा, क्योंकि 5 फंक्शन जो है, 5 सेल जो है वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। काउंट द नंबर ऑफ सेल कंटेनिंग लेटर, काउंट द नंबर ऑफ सेल कंटेनिंग नंबर, काउंट द नंबर ऑफ सेल आर दैट आर नॉट एम्प्टी इन द रेंज, सारे स्टेटमेंट सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू टू और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर दैट कैन शेयर रिसोर्सेज सच एज डेटा प्रिंटर इंटरनेट कनेक्शन एप्लीकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. तो नेटवर्क करेगा ये सब. कौन करेगा? नेटवर्क के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. नेटवर्क का डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है ऐसा दिया हुआ है. तो हाई लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज सोर्स कोड में कन्वर्ट करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है. यूजर इंटरफेस, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट सारा ओएस का फंक्शन होता है. हाँ, हाई लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है कौन करता है? असेंबलर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता. नेक्स्ट, बस ये गुजराती आ गया तो इतना ही हमें करना था. सो दिस ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ GSECL JEE 2022. इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बताया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो. कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछो, आप मुझे आंसर आता होगा तो मैं बिल्कुल आपको सही आंसर देने की कोशिश करूँगा. यहाँ पे जीप ज्योति भी आंसर दिए हैं बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, थोड़ा बहुत रिसर्च भी मैंने किया है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं. ग्रीवेंसेस आपको करना है तो कर सकते हो. अगर आपके मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.